हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना के 100 से अधिक मामले एक साथ आने पर सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर आने वाले एक दो दिन में प्रदेश में कोरोना के मामले में वृद्धि होती है तो सरकार प्रदेश में कोरोना नियमों को सख्त करने पर विचार करेगी। हालांकि अभी केवल कांगड़ा जिले में ही 100 से अधिक मामले लगभग 2 महीने के बाद आए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। कि अगर वैसे तो ये घटना एक जगह घटित हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा नंबर निकल करके आया है और उसके कारण एकदम ही अदरवाइज पूरे स्टेट का अगर हम देखें तो नंबर एवरेज लगभग लगभग वही है जो पिछले काफ़ी अर्से से चल रहा था। लेकिन एक जगह ऑल ऑफ ए सडन जो मोनेस्ट्री में जो नर्सिंग का उनके एक इंस्टीट्यूट है उसमें ये नंबर एकदम आया है। हमने वहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कहा था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद जब टेस्टिंग हुई है उसमें वो नंबर निकला है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम एक दो दिन इंतजार करेंगे, अगर उसके बाद फिर अगर ये नंबर इसी तरह से बढ़ता रहा, तेजी से बढ़ता रहा, तो निश्चित रूप से और एहतियात और सख्त कदम उठाने की जहां जरूरत होगी विचार करेंगे। कि ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। एक तो सारी मर्यादाओं का उन्होंने हनन किया है और उसके बाद दूसरी बात, अपनी सारी उन गलतियों पर पर्दा डालने की जो कोशिश करने की उनकी एक मानसिकता बन करके सामने आ रही है, ये दूसरी बात। सहज रूप से अगर मुझे लगता है कि अगर वो स्वीकार करते कि गलती हुई है, जबकि जैसे सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटित हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा बोला उन्होंने। अगर ऐसी स्थिति वो आगे बढ़ करके ये कह देते कि गलती हो गई, आगे से हमें ऐसी घटनाओं पर जो है वो बिल्कुल इस तरह की घटनाएं नहीं करेंगे, और राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के अगर तुरंत जाकर के जैसे हमने जाकर के उनके पास व्यक्तिगत रूप से सभी कैबिनेट के कलीग्स ने मिलकर के बात कही और उस घटना से हम शर्मिंदा हैं और हम उस पर खेद प्रकट करते हैं, ये हमने जिक्र किया, अगर ये भी करते तो शायद मुझे लगता कि चीजें आगे उस दृष्टि से नहीं बढ़ती। गलती करना, बार बार गलती करना, उसको आदत का हिस्सा बना देना और उसके बाद जस्टिफाई करना, झूठ बोल करके करना, सदन के अंदर झूठ बोलना, सदन के बाहर झूठ बोलना, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सही बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेतृत्व जो है एक दूसरे को ना तो स्वीकार करता है, ना किसी को जो है वो इस स्थिति में है कि वो उनको मार्गदर्शन दे सकता है, नेतृत्व दे सकता है। वो उनकी बात है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आज जिस गलत तरीके से उन्होंने सारी अपनी गलत बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश की, वो स्वीकार नहीं है। उनको स्वीकार करना चाहिए, गलती हुई है, इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए सदन के अंदर भी और उसके बाद राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी उनको क्षमा मांगनी चाहिए। ये मुझे लगता कि ये एक उचित तरीका था जिसमें उन्होंने बहुत देर कर दी है। कि सबसे बड़ी बात तो एक ही बात है कि भी जैसे सभी सदस्यों ने जिन्होंने बोलने की बात की, सुखविंदर सुक्खू जी ने बोलने के लिए आग्रह किया, लंबा बोले, आशा कुमारी जी ने कहा कि मुझे भी बोलना है, उनको भी बोलने का मौका दिया, उनने बहुत लंबी अपनी बात विस्तार से कही और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने उनको जवाब दिया, सरकार के पक्ष को उनके सामने रखा। उसके बाद जब बार बार वो डेप्टी स्पीकर को इंगित कर रहे थे नाम के साथ, तो उनको अपने पक्ष रखने का अधिकार है और नियमों के अनुसार उनने अध्यक्ष महोदय से परमिशन मांगी। परमिशन मांगने के बाद अध्यक्ष महोदय ने उनको इजाजत दी बात कहने के लिए। जब से बात कहने लगे तो और शोर शोर डालने की कोशिश हुई और शोर डालने तक भी बात मान ली चलो, लेकिन उसमें वहां पर सत्ता पक्ष के विधायक, क्योंकि हमारे डेप्टी स्पीकर जो वो विपक्ष की जो बैठने की व्यवस्था होती है उसके करीब होते हैं, तो वहां जाकर के उनके पास जाकर के उनको धमकी देने लग पड़े, जो सब लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा। तो ये उचित नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि किसी की आवाज को इस प्रकार से सदन के अंदर और सदन के बाहर दबा सकते हैं? और किस प्रकार का पोस्टर उनने कल वहां पर लगाया हुआ था, उनको उन सारी चीजों पर माफी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि डेप्टी स्पीकर भी उस आसन को सुशोभित करते हैं जहां अध्यक्ष बैठते हैं।